गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो अभी मैंने कल डाली थी दाल मखनी की वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके प्लीज़ देखिए। अब उसके साथ हम बनाएंगे एक क्विक लच्छा परांठा। उसके लिए हमने सबसे पहले लिया है एक गोला आटे का, उसको हमने फ्लैट इस तरीके के साथ बेल लेना है। कोई भी शेप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको राउंड शेप ही लेना है। आप इस तरीके के साथ इसको फ्लैट बेल के इसमें एक चम्मच या आधा चम्मच अच्छे से घी लगा लीजिए। इस तरीके के साथ पूरे पे आप फैला लीजिए। अब इसके ऊपर हमने सूखा आटे को डस्ट करना है। अब उसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, नमक और अजवाइन। अगर आप अजवाइन नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो आप इसे। इस तरीके के साथ हम इसमें डाल के अब इसको हमने रोल करना है इस तरीके के साथ, जिस तरीके के साथ हम फैन बनाते थे ना बचपन में कागज़ का, उस तरीके के साथ हमने इसको रोल करना है और इस तरीके के साथ राउंड शेप दे देना है। कुछ हमने इसको रखने की ज़रूरत नहीं है कि इसको रखना है 10 मिनट 20-15 मिनट, ये तुरंत ही बन जाता है। जितना आप अगर हाथ से कर सकते हो, इसको हाथ से फ्लैट कर सकते हो इस तरीके के साथ, उतना आप हाथ से फ्लैट कर लो। बाकी आप बेलन से कर लो। अगर हाथ से फ्लैट नहीं हो रहा है तो सीधा आप बेलन से भी बेल सकते हो। इस तरीके के साथ आप बेलन से इसको बेल लीजिए। बहुत ज़्यादा ना बेले, थोड़ा सा हल्का सा थिक रखे इसको, इतना कम से कम। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी लेना है, साफ पानी किसी बोल में ले लीजिए। एक साइड हमने पानी लगाना है, सिर्फ एक साइड। जिस साइड हम पानी लगाएंगे वो हमने गरम तवे पे, हमने वो वाली साइड हमने नीचे रखनी है, सूखी साइड हमने ऊपर रखनी है। अब इसे हम फुल फ्लेम पे इस तरीके के साथ नीचे से सिकने देंगे। जब ये हल्का सा सिक जाएगा तो तवा हम पलट देंगे इस तरीके के साथ। अगर आप तवा ना पलटना चाहें तो आप चिमटे के साथ भी इसको ऐसे उठा के इस तरीके के साथ ऊपर से नीचे इसको सेक सकते हो। इसमें कोई भी घी ऑयल से कुछ भी नहीं सिक रहा है, तो ये एक तरीके के साथ हेल्दी वर्जन है और बहुत टेस्टी लगता है दाल मखनी के साथ, या आप किसी और सब्जी के साथ खाना चाहो तो भी खा सकते हैं। हल्का सा घी लगा लीजिए, बटर लगाना चाहे बटर लगा लीजिए। ये हमारा परौंठा, लच्छा परौंठा बनके रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।